माता जी प्रणाम जी। माता जी, आजकल हर तरफ इतनी सारी कथा प्रवचन चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी सारा दिन कथा प्रवचन चलते रहते हैं, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि इतना सब प्रचार होने के बाद भी समाज में कुछ सुधार क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, ये बहुत विचारणीय विषय है। पहले तो प्रश्न उठता है कि समाज में शिक्षा देने का अधिकारी कौन है। शिक्षा आप ले तो किसी से सकते हो, क्योंकि अगर रिसीवर एंड स्ट्रॉन्ग है तो वह शिक्षा किसी से ले सकता है, लेकिन देने का अधिकार किसको है? शिक्षा देने का, शिक्षा देने का अधिकार इस समाज में सिर्फ उसी को है जिसका एकांत मर्यादित है, जिसने एकांत में इतनी साधना को कर लिया है कि अब उसे बोलकर शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। उसके मौन से, उसके शुद्ध संकल्प से, उसके चिंतन मात्र से वस्तुत स्थिति के भीतर में परिवर्तन रूपांतरण हो जाता है। आज गड़बड़ी यही हो गई है कि व्यक्ति समाज में तो बहुत मर्यादित दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका एकांत दुर्गंध से भरा हुआ है। और शिक्षा देने के लिए पहला जो आप कह सकते हैं जरूरत है, शिक्षा उसी की दी हुई फलित होगी जिसका एकांत मर्यादित होगा। लेने की जहां तक बात है, आप शिक्षा किसी से भी ले सकते हैं। भक्तमाल में एक चरित्र आता है पीपाजी महाराज का। पीपाजी महाराज राजा हैं, पूर्व में वृंदावन आते हैं और वृंदावन में एक मार्ग से गुजर रहे हैं और एक सफाई कर्मचारी झाड़ू लगा रही थी, तो झाड़ू देने वाली ने कहा कि एक तरफ हो जाओ। और पीपा जी महाराज इसी से शिक्षा ले ली, विचार किए कि उस परम रस की प्राप्ति के लिए मैं तो अभी एक तरफ हुआ ही नहीं हूं। और एक क्षण में सिर्फ इतनी सी बात सुन करके उनका जीवन रूपांतरित हो गया। परंतु शिक्षा देने का अधिकार किसको है? इसको एक छोटी सी बात से मैं पुष्ट करती हूं। जिस समय श्री राम नागपाश में बंध जाते हैं और गरुड़ जी श्री राम को नागपाश से मुक्त करते हैं, और जब मुक्त कर लेते हैं तो गरुड़ जी विचार करते हैं कि श्री राम ब्रह्म के अवतार हैं और नागपाश में बंध के और मैंने उनको मुक्त किया। इस बात से उनके मन में संशय आ जाता है और इस संशय के निवारण के लिए गरुड़ जी महाराज चल दिए भगवान शंकर के पास, भोलेनाथ के पास जा रहे हैं महादेव से मिलने के लिए कि तभी देखे सामने से महादेव आ रहे हैं, मार्ग में मिले और महादेव को अपने संशय का बारे में बताए कि मेरे मन में ये बहुत बड़ा संशय है, परब्रह्म परमात्मा होते हुए भी श्री राम नागपाश में बंध गए और मेरे संशय का निवारण करो। महादेव कहे, गरुड़ आप मुझे मार्ग में मिले हुए और कवन भांति समझावं तुहि। मिले हु गरुड़ मार्ग मह मोहि, कवन भांति समझावं तुहि। आप रास्ते में मिले हो और इतने बड़े प्रश्न का मैं कैसे मार्ग में संशय का निवारण करूं? तो महादेव कहे, अच्छा इस संशय के निवारण के लिए आप काक भुसुंडी जी के पास जाओ। महादेव विचार किए कि गरुड़ जी पक्षियों के राजा हैं और जब जाएंगे काक भुसुंडी जी के पास तो काक भुसुंडी जी पक्षियों की कैटागरी में निकृष्ट हैं और वो पक्षियों के राजा और वो पक्षियों में निकृष्ट। जब पक्षियों का राजा पहुंचेगा काक भुसुंडी जी के पास तो क्या होगा? अहंकार का विसर्जन होगा। जब अहंकार का विसर्जन होगा तब अंतःकरण
पिघलेगा, द्रवित होगा और तब उसके भीतर में, उस भूमि में कथा ठहर पाएगी। और गरुड़ जी आज्ञा लेकर महादेव से काकभुसुंडी जी के से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो दूर से ही काकभुसुंडी जी के स्थान को देखे और देखते ही अभी कोई सत्संग नहीं हुआ, अभी कोई कथा नहीं सुने, अभी अपने संशय के बारे में काकभुसुंडी जी को नहीं बताए गरुड़ जी, लेकिन दूर से देखते ही जैसे ही उस परम पुनीत पावन आश्रम का दर्शन किया, दर्शन होते ही मिटे शोक संशय नाना भ्रम। दर्शन होते ही सारा मन के भीतर में जो भ्रम था वो चला गया, संशय खत्म हो गया और शोक खत्म हो गया। अर्थात अभी किसी प्रकार के सत्संग को श्रवण नहीं किया। तो जिसका एकांत मर्यादित है, जिसकी साधना परब्रह्म की संपूर्ण हो चुकी है और एकांत बहुत मर्यादित है, ऐसे व्यक्ति का मौन बोलता है और समाज को शिक्षा देने के लिए इसी व्यक्ति की आवश्यकता है। आप ले किसी से भी सकते हो शिक्षा, अगर पूर्व जन्म की आपकी पात्रता अच्छी है, क्योंकि आज जो हमें कई जन्मों के नेट रिजल्ट हैं, इसलिए अगर पूर्व जन्म की पात्रता ठीक है, रिसीवर एंड आपका स्ट्रॉन्ग है, तो आप कहीं से शिक्षा ले सकते हैं। दत्तात्रेय जी के तो 24 गुरुओं का वर्णन हो रहा है, श्रीमद् भागवत जी में वर्णन आया है, तो आप ले कहीं से सकते हैं, लेकिन देने का अधिकार जहां तक आ रहा है, तो शिक्षा केवल वही दे सकता है जिसका एकांत मर्यादित है और जिसने ब्रह्म को अपने जीवन के भीतर में चखा है, वही उस रस को दूसरे को जना सकता है।